देखिए, कोई भी मुश्किल बात को कहने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि बस उसे कह दिया जाए। ओके, हम शॉपिंग पर जाना चाहते हैं और हम चाहते हैं कि अगर आप हमारे साथ चलें तो बहुत अच्छा होगा। कहाँ? शॉपिंग पर। बस इतनी सी बात और आप इतना परेशान हो रही थी। वैसे हम शॉपिंग पर आपके साथ आकर क्या करेंगे? हम हमारी शादी की शॉपिंग के लिए जाना चाहते हैं। हसीना जी, आप अच्छी तरह से जानती हैं कि हमारी शादी केवल एक दिखावा, एक नाटक था मिशन के लिए। तो फिर ये शॉपिंग? हाँ, दरअसल बात यह है कि हमारी अम्मी सच नहीं जानती। उन्हें अब भी लगता है कि हम साथ हैं और एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। सच बात तो यह है कि हमारी अम्मी एक हार्ट पेशेंट है और डॉक्टर ने हमें साफ साफ कहा है कि उन्हें कोई भी शॉकिंग न्यूज या किसी भी तरीके का सरप्राइज नहीं मिलना चाहिए, वरना उनकी तबीयत और खराब हो सकती है। शायद इसलिए हम उन्हें अभी तक सच नहीं बता पाए हैं। सर प्लीज देखिए, सिर्फ एक दिन की बात है, आप हमारे साथ शॉपिंग चल लीजिए। हमारी अम्मी चाहती है कि शादी में जो शेरवानी पहनते हैं वो हम साथ में खरीदें। वो हमारे साथ शॉपिंग पर आना चाहती है। बस एक दिन के लिए नाटक कर लीजिए, फिर हमें जैसे ही अच्छा मौका मिलेगा हम अम्मी को सब कुछ सच सच बता देंगे। देखिए सर, प्लीज मना मत करिएगा, बस एक दिन का सवाल है। हम आपके साथ जरूर चलेंगे हसीना जी, आप जहां कहेंगी वहां चलेंगे, आप जैसा कहेंगी वैसा करेंगे और आप जब तक चाहेंगी तब तक हमें नाटक करते रहेंगे। किसी और चीज का तो पता नहीं, लेकिन बस एक चीज हम सबके पास बेशकीमती है, मां। उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। उसकी कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा करके हमने आपके साथ जो किया है शायद उस पाप का बोझ थोड़ा हल्का हो जाए। बताइए कब चलना है शॉपिंग? हाँ सर, हम आपको एड्रेस भेज देंगे, हम आपसे डायरेक्टली मॉल में ही मिलेंगे अम्मी के साथ। जय हिंद। जय हिंद। पुष्पा जी, इधर आए। पुष्पा जी, मैडम, हमने देखिए इसे पर्सनल लेवल पर ना हाथ जोड़ रहे हैं, प्लीज कुछ भी गड़बड़ मत कीजिएगा, प्लीज। होगा नहीं, लेकिन आप दोनों सास बहू जैसा, आदर्श सास बहू जैसा एक्टिंग करने का कोशिश करना। होगा नहीं, लेकिन कंट्रोल रखिएगा अपने पे। देखिए, हम जानते हैं कि अंदर का जो ओरिजिनल सास बहू है सब फट के बाहर आना चाहेगा, लेकिन मैडम हम अपना मन से नहीं बोल रहे, हम तो मैडम सर का ऑर्डर रिपीट कर रहे हैं। इनको समझाइए, समझिए इनको, क्योंकि जो ओवर एक्टिंग का सुनामी आता ना वो यहाँ से फट के बाहर आता है। हमको मत समझाइए, इनको समझाइए। हमें कुछ मत कहिए, आप पहले अपनी गिरबान में झांक के देखिए, फिर हमें फिर हम कैसे हम पूछ रहे हैं ना, पूछ कैसे आप बहन जी, सब बढ़िया? देखिए बहन जी, अगर आप मुझे ये समझाना चाहती हैं कि मैं इस महारानी से समझौता कर लूं और इसे गाड़ी लेने दूं, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूं कि आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और मैं किसी समझौते के मूड में नहीं हूं। मैं भी कोई समझौते के मूड में नहीं हूं, मुझे नहीं करना समझौता। कार तो मैं लेके रहूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। बाल स्ट्रेट करवा लीजिए, मेरी तरह खूबसूरत दिखेंगी। देखिए बहन जी, आपकी बहू आपसे कितना प्यार करती है। आप इतनी बुजुर्ग हैं। बड़ी नहीं, बड़े तो हम हैं, आप बुजुर्ग हैं। सेम टू सेम। अच्छा ठीक है, मतलब आप इतनी बुजुर्ग हैं, फिर भी देखो ये आपसे आपको बाल स्ट्रेट करवाने के लिए कह रही हैं, कितना प्यार करती है, देखिए बताइए। अरे मेरे नहीं, इनके, आपके दरोगा मैडम के। भूल गए आप,
ब्यूटी पार्लर है इसका। जो भी हो कार तो मैं लेके रहूंगी और मैं पीछे हटने वाली नहीं। पीछे हटने के लिए कौन कह रहा है, हम तो आगे बढ़ने के लिए कह रहे हैं। मतलब तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, वो एक कदम आगे बढ़ाएंगी, दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझो, समझ लो, समस्या हल हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं हमारी सासू मैया। क्या है ना कि थोड़ा आप इन्हें समझिए, थोड़ा ये आपको समझेगी, तभी ये समस्या का हल निकलेगा ना। ऐसे ही ये जो जनरेशन गैप का प्रॉब्लम चल रहा है ना, ये ऐसे ही सॉल्व होगा। देखा 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 कितनी समझदार है ये। ये नहीं, ये हमारी बहुरानी। हमको तो लगता है पिछले जन्म में हमने जरूर मोती दान किए होंगे, जो ऐसी ऐसी बहुरानी हमें मिली। समझ में नहीं आ रहा है भगवान से कैसे शुक्रिया अदा करें कि ऐसा पत्थर हमारे झोली में डाल दे। हीरा 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 हमारी झोली में डाल दिया। इतना प्यार, इतना प्यार, इतना सम्मान, इतना मान देती है ना कि हमसे संभले संभलता नहीं है। हम तो कहते हैं हमारे तो भाग्य फूट गए। जो खुल गए हमारे भाग, खुल गए जो हमें ऐसी बहुरानी मिले नजर ना लगे किसी की। और ये तो छोड़िए, हमारी बात तो इतनी मानती है, क्या बताएं आपको। अगर हमने कुछ भी कहा ना तो समझो पत्थर की लकीर हो गई। आपको बताते हैं, अभी कल ही ना हमारी बहुरानी ने पूरे 2000 का धूप का चश्मा खरीदा। 2000? हाँ, हमें भी ऐसे ही लगा कितना महंगा है, मगर हमारी बहुरानी ने जैसे ही हमारी ये बात सुनी ना फौरन चश्मा बदल लेने की ठान ली। हाँ? अभी आपसे बात करने के बाद सीधा वहीं जाएगी वो चश्मा वापस करने के लिए, है ना बहुरानी? हाँ हाँ, अब आपका बात नहीं मानेंगे तो फिर किसका बात मानेंगे। हम जा रहे हैं बस, अभी इसके बाद जाएंगे वापस करने। वो क्या है ना, डॉक्टर को दिखाया था पुष्पा जी को, इनका एनुअल हेल्थ रिपोर्ट, क्या वजन बढ़ रहा है ना। हाँ? उम्र भी हो रहा है आपका, तो क्या है ना इस उम्र में ना हजार तरीके का बीमारी लग जाता है, तो डॉक्टर ने कहा ये तेल मसाला ये जितना भी चटपटा जो ये खाती है ना ये सब बंद करने को। तो बस ठान लिया हमने कि हमारी सासू मैया को हम कुछ नहीं होने देंगे, इसलिए जो ये गोलगप्पा चाट पापड़ी दही बल्ले छोले भटूरे ये सब आज से बंद एक महीने तक। हाँ पुष्पा जी। मजाक मजाक भी ना करें हम हमारी लाडली बहुरानी से, मजाक कर रहे थे हम पगली। हम भी एक मिनट एक बात बताओ, कल रात तक सांप लेवले वाली लड़ाई लड़ने वाली, आज ये दूध शक्कर कैसे हो गई, मामला क्या है? नहीं वो हमको समझ में आ गया ना कि हम बहुत गलत हैं, हम अपनी सासू मैया की बात नहीं मानते, बहुत गलत बात है, तो अब से अब ये जो भी कहेंगी हम वो मानेंगे। और क्या ना कि अनुभव भी तो कुछ चीज होता है ना। तो वैसे भी हमको भी समझ में आ गया कि अगर ये एक कदम आगे बढ़ा रही है तो क्यों ना हम भी एक कदम आगे बढ़ाएं। तो हमने भी खुद को इनकी जगह रखा और फिर महसूस किया कि हाँ, मन तो नहीं मान रहा है मगर बहू भी अपनी जगह सही है। ये वही चश्मा है ना जो आपने 2000 में लिया था? हाँ। कहाँ से लिया ये? वो ऑनलाइन हमने ऑर्डर कर दिया था। पर वहाँ पे तो ये 4000 का था। हाँ वो हमको स्पेशल डिस्काउंट मिल गया तो हमने ले लिया। डिस्काउंट पे मिला? पर ये तो बहुत ही लिमिटेड एडिशन में थे, सबके सब बिक चुके थे, आपको कैसे मिल गया ये 2000 में? हाँ नहीं वो संतु क्या हुआ? संतु कुछ नहीं। नहीं नहीं, पेट दर्द हो रहा है तुम्हारा? पेट क्यों दुख रहा है तुम्हारा? क्या छुपा रहे हो तुम हमसे? चश्मे की बात सुनकर तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो गया, बताओ कितने का है चश्मा? कितने का है चश्मा? उनकी तरफ मत देखो, करिश्मा जी की तरफ मत देखो, हमें बताओ, बताओ। 4000। भगवान पुष्पा जी, पुष्पा जी हमने तो पहले ही बोला था 4000 का चश्मा, 4000। आप ये हमसे झूठ बोला? नहीं नहीं पुष्पा जी, और भी झूठ बोला है, पिछले हफ्ते जितनी भी शॉपिंग की थी ना सब आपको झूठी बोला है।
चश्मे 4000 के थे ना, 2000 बोला, और जो घड़ी है, घड़ी भी कुछ 3000 की थी, आपको 1500 बोला, और जो पर्स है वो 3000 का था, वो 500 बोला। संतोष जी, बस हे भगवान, इतना झूठ बोला आपने हमसे। हे भगवान, ये सुनने से पहले ये धरती फट क्यों नहीं गई और हम इसमें समा क्यों नहीं गए? नहीं, इसीलिए नहीं, देखिए इनका हाल देखिए, इसीलिए नहीं बताते हम इनको कुछ भी। पहले अगर हम इनको सही रेट बता देते ना, तो इनको ऐसे हार्ट अटैक आ जाता, फिर हमें बुलाना पड़ता डॉक्टर को, इनको शॉक देता डॉक्टर आकर। भगवान, सब देना, मगर किसी को भी ऐसी बहू मत देना। पुष्पा जी, कर लिया अपनी बहू पे भरोसा? अरे ये जो बहू है ना, ये भरोसा करने लायक है ही नहीं। सही कह रही हो, समझौता भी हो सकता। मुझे भी नहीं करना कोई समझौता वमझौता। आप ना आईब्रो बनवा लीजिए, वरना शाम तक ना जुड़ जाएंगे। चल घर, यहाँ फैसला होने वाला नहीं हमारा। अरे अरे, आप हमें जवाब दीजिए। अरे कपाड़ा हो गया फिर से। सर, सब कुछ हो गया है, अम्मी को हमने टैक्सी में भी बिठा दिया है। थैंक यू सो मच, आई एम सॉरी आपको हमारी वजह से ये नाटक करना पड़ा। तो ठीक है फिर सर, आई एम श्योर आपको बहुत से काम होंगे। हाँ वो तो है, लेकिन पहले ये शेरवानी तो वापस कर दें जो आपने आपकी अम्मी को दिखाने के लिए जो लिया है, वरना आपके 10,000 वेस्ट हो जाएंगे। हमने सेल्समैन को भी बुलाया है। लीजिए। जी कहिए। एक मिनट, ये शेरवानी आप वापस ले लीजिए, हमें नहीं चाहिए। वापस करनी है? लेकिन क्यों सर, इतना अच्छा डिस्काउंट तो दिया था आपकी सासू माँ को। बात वो नहीं है, दरअसल इसकी आवश्यकता नहीं है। कैसी बातें कर रहे हैं सर, शादी में शेरवानी की आवश्यकता नहीं? देखिए भाई साहब, हम शादी ही नहीं कर रहे हैं। क्यों, लेकिन अंदर तो बोले कर रहे हैं। अब नहीं कर रहे। तो जब करेंगे तब के लिए रख लीजिए। हमें करनी ही नहीं है शादी, आप समझिए ना बात को। प्रॉब्लम क्या है सर, इतनी अच्छी जोड़ी तो है। देखिए भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हमें ये शेरवानी चाहिए ही नहीं। ऐसा मत कीजिए साहब, बड़ी मुश्किल से तो महीने का टारगेट पूरा हुआ है। अगर आप ये शेरवानी वापस कर देंगे तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तो क्या आपकी नौकरी रखने के लिए हम जबरदस्ती शादी कर ले? प्लीज सर। अरे भाई साहब, आप समझ नहीं रहे हैं। एक मिनट सर, एक मिनट, आप दीजिए, आप जाइए। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। अरे जी हसीना जी, देखिए सर, आप अभी शादी नहीं कर रहे हैं, कभी ना कभी तो करेंगे, तब पहन लीजिएगा। इसे हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट समझिए। हसीना जी, लगता है आप बात अभी तक समझ नहीं पाई है। दरअसल हम शादी करना ही नहीं चाहते। अगर हमें शादी करनी ही होती तो आपसे बेहतर जीवन साथी हमें इस दुनिया में मिलता ही नहीं। हमारा सौभाग्य होता अगर आप हमारी लाइफ पार्टनर होती। देखिए हसीना जी, शादी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम अपने फर्ज और देश के प्रति निष्ठा के लिए कमजोर नहीं पड़ना चाहते। आपके और हमारे बीच सिर्फ सिद्धांतों की दीवार है और कुछ नहीं। वैसे अगर फिर भी अगर आप चाहती हैं कि हम ये शेरवानी रख लें, तो हम रख लेते हैं, इस वादे के साथ कि जब कभी आपकी शादी होगी तो हम इसे आपको वापस लौटा देंगे। तब तक आपकी अमानत हमारे पास रहेगी। वैसे सास बहू का केस कैसे चल रहा है? थाने का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, कुछ कीजिए इससे पहले कि कुछ गड़बड़ हो जाए। नहीं सर, केस बहुत अच्छे से चल रहा है। इनफैक्ट एज वी स्पीक आई एम श्योर पुष्पा जी और करिश्मा सिंह इस वायरल वीडियो वाले सास बहू के केस को सुलझा चुके होंगे। आइए हम आपको छोड़ देते हैं। आप ठीक है सर, थैंक यू। आइए आइए बैठिए। थैंक यू।
आइए। आप फिर से सास बहू को समझाने में फेल हो गए। ये केस अभी भी अनसॉल्व्ड है, आप फिर से उनके सामने लड़ लिए। क्या कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? मैडम सर, मैंने अपनी जिम्मेदारी निभाई थी, लेकिन हाँ, और हम बखूबी सास इस बार टोटल पूरा गलती पुष्पा जी का है, हम प्रूफ कर सकते हैं। इनकी गलती थी मैडम सर, हम तो हमारा रोल अच्छे से निभा रहे थे, ओवर एक्टिंग इन्होंने शुरू की। अच्छा, मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें इज्जत देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें इज्जत देनी होगी। यो सनी चड्डा, आज खबर तक नहीं पहुंचा तो खबर खुद चलकर तेरे पास आ रही है। सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, हमें इज्जत देनी होगी, देनी होगी, देनी होगी, हमें मान सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए, सम्मान चाहिए। शांत हो जाइए, आराम से बताइए क्या प्रॉब्लम है। करिश्मा मैडम, हम अपनी सासों से आपकी तरह सताए हुए हैं। वो जब भी देखो हमें गलत ही समझती हैं, सही समझने की कोशिश नहीं करती हैं। मैडम जी, हमने ना आपका एक वीडियो देखा था जिसमें आप एक बहू की मदद कर रहे थे, हम बस इतना चाहते हैं कि थोड़ा सा ना आप हम लोगों का भी सहयोग कर दीजिए। हाँ मैडम जी, हाँ हाँ। अरे हम सासों को भी ना अकेले मत समझना तुम लोग। जैसे करिश्मा मैडम ना तुम लोगों का साथ दे रही है ना, वैसे हमारा साथ हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह दे रही है। पुष्पा मैडम, हमारी कहानी भी आपके जैसी है। हाँ, आपका भी बढ़ता वजन तो दिख ही रहा है मैडम। अरे बहुओं की बात हो रही है। पुष्पा मैडम, हमारी बहुएं भी ना हमें नहीं समझती, अपनी मनमानी करती रहती है, इसलिए हम सासों ने सोचा है कि हम बहुओं को सही रास्ते पे लाए और इस काम में आप हमारी मदद करेगी। सही रास्ते पे आने की जरूरत आपको है माता जी। सुना सुना, सुधरने की जरूरत हमें नहीं है, तुम बहुओं को है। लेकिन उसके लिए भी ना दिमाग चाहिए, जो तुम लोगों के पास बिल्कुल नहीं है। हाँ नहीं है, नहीं है, तुम लोगों में नहीं है। वैसे अक्ल की जरूरत ना आप सारी औरतों को है, समझी माँ जी। अरे वाह, देखो आई बड़ी अक्ल वाली। अरे पूरी जिंदगी बीत गई हमारी, ऐसे ही सफेद नहीं हुए हमारे बाल। अरे मेहंदी लगाना बंद करो तो पता चले ना कि बाल सफेद है या नहीं। देखिए आप लोग प्लीज शांत हो जाइए, ये कोई तरीका है एक दूसरे से। अरे 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 अरे, फिर से नया पंगा। हसीना जी, हमें लग रहा है इस थाने में ना थोड़ा दोष है। एक काम करिए, कोनो पंडित वंडित देखिए, कुछ पूजा वूजा करवाइए, सबसे पहला ये दोष दूर करवाइए। कहा है कि एक टंटा खत्म नहीं होता कि दूसरा शुरू हो जाता है। अरे इतना मामूली सा सास बहू का केस आपसे हैंडल नहीं हो रहा, और सपने देख रहे हैं आप वो कॉम्पिटिशन का अवार्ड जीतने का। बहुत बुरा हुआ हसीना जी, मतलब सास बहू के बीच में आपने जंग छेड़ दिया। अरे बिस खोपड़ा के घर में खुद सास बहू का बर्तन बज रहा है, इसीलिए तो खखवाया हुआ घूम रहा है। हमारा मतलब है सर कि कितना गलत कर रहे हैं ये लोग, बताइए, बताना जरूरी है ना सर, बताइए आप। देखिए हसीना जी, हमारी जानकारी के हिसाब से ये महिला पुलिस थाना जो है महिलाओं की समस्याओं को सुलझाने के लिए बना है, लेकिन यहाँ तो उल्टा है, आप समस्याओं को दूर नहीं कर रहे बल्कि समस्याओं को बढ़ा रहे। इस हिसाब से तो ये महिला पुलिस थाने को तो बंद हो जाना चाहिए। अरे हम तो खुद आपका थाने के खिलाफ एक तो कंप्लेन करने का सोच रहे हैं। आप जैसे आए हैं ना वैसे ठंडे ठंडे यहाँ से वापस चले जाइए, क्यों हमारा दिमाग अगर तिल मिला गया ना तो रिपोर्ट्स में ना सबसे बड़ा बड़ा अक्षर में अंडरलाइन होके लिखा होगा कि दरोगा जी देखे तो बहुत, तुम साना देखा। हाँ। धमकी? देखो हमको धमकी दे रहा है। अरे देना है तो जूते दीजिए, घूसो दीजिए, थप्पड़ दीजिए, लपड़ दीजिए। अब सर, अब आपका खड़े खड़े बेइज्जती हो रहा है सर, और हम खड़े खड़े देख रहे हैं सर, अब बर्दाश्त के बाहर हो गया ना, अब कलेजा फट जाएगा सर। देखिए ये धमकी का अंजाम जानती हैं आप? अरे वर्दी छीन जाएगा आपका, और ये पुलिस थाना को और आपको दोनों को ताला लग जाएगा कई सालों तक। अच्छा, आपको सच में लगता है कि ये सास बहू की झगड़े महिला पुलिस थाने की वजह से हो? और नहीं तो क्या। ठीक है, ठीक है बुलबुल पांडे, तो फिर ये जो कुछ भी हुआ है उसकी पूरी जिम्मेदारी हम लेते हैं। ये सब हमने किया है, ठीक है, और अब जब इसकी जिम्मेदारी हमने ली है तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी, आप कुछ नहीं बोलेंगे। तो अब क्या करेंगी आप? नहीं नहीं, घर घर जाकर मतलब सास बहू के कान में जाकर प्रवचन देंगी,
या फिर सास बहू पे कोनो सीरियल बनाएंगी आप? अरे मैडम, पहला अपना पुलिस थाना पे ध्यान दीजिए, बाद में बाहर का सुध लीजिए। अरे खुद का थाने का सास बहू संभलता नहीं आपसे, और दुनिया सुधारने चलिए आप ना। मतलब बदले में आपको डायलॉग मारने का मन कर रहा होगा, लेकिन संभल के हैं, ऑन कैमरा हैं आप, सारा शहर देख रहा है आपको, वो भी लाइव। ये तो और भी अच्छी बात है, अब जो होगा ऑन रिकॉर्ड होगा। सनी। मैडम सर। हम हैं हसीना मलिक, SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ, और हम आप सबको ये वादा करते हैं कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर सास और बहू के बीच चलती आई सालों की जंग, कौन सही कौन गलत है, इसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। और साथ साथ हमारा लखनऊ शहर, जिस अमन और चैन के लिए फेमस है, उसे वापस भी लेकर आएंगे। और इस सब के गवाह होंगे आप, क्योंकि ये होगा आप सबके सामने इसी महिला पुलिस थाने में डायरेक्ट लाइव। बहुत बड़ा बोल बोल दी। अब तो बोल दिया पांडे जी, अब जो होगा देखा जाएगा। तजुर्बा कहता है हमारा कि सही काम करने में सोचना नहीं चाहिए, और अगर सोच लिया तो पलटना नहीं चाहिए। इसलिए अब जो बोल दिया है वो करके दिखाएंगे। सोच लीजिए ना, अगर वादा पूरा ना हुआ ना तो बहुत ही फजीहत हो जाएगा आप लोगों का, और साथ में इस थाने का भी। अरे बेस्ट थाना प्रतियोगिता में भाग लेना तो दूर, ये थाना भी छोड़ना पड़ सकता है आपको। ऐसा तो हम होने नहीं देंगे बुलबुल पांडे। अब ये महिला पुलिस थाना बता कर नहीं, दिखा कर केस सॉल्व करेगा। कल इसी वक्त इसी चैनल पर यहीं महिला पुलिस थाने से लाइव। मैडम सर, आप लोग गए नहीं अब तक? नहीं। आपको आपको क्या जरूरत था मैडम सर बाहर इतना बड़ा बोल बोलने का? आपको पता भी आप जोश जोश में क्या बोलकर आ गई हैं? अरे बुलबुल पांडे का चाल था ये, और आप उनकी चाल में आ गई हैं। वो बुलबुल पांडे हम सबको नीचा दिखाना चाहता है, हमारा थाना बंद करवाना चाहता है, हमें कॉम्पिटिशन से बाहर करना चाहता है। आपने जो किया है ना, इससे पक्का उसका कामयाबी पक्का हो गया है। अब अगर ये केस सॉल्व नहीं होता तो बदनामी तो होगा ही, लेकिन साथ साथ ये थाना भी बंद हो जाएगा, और इसका पूरा जिम्मेदारी जो है ना वो आपके वजह से होगा, सिर्फ आप। अच्छा, और हम यहाँ इस नौबत तक जो पहुंचे उसका जिम्मेदार कौन है? आप पुष्पा जी, या फिर हम, या फिर सालों से चला रहा वो जनरेशन गैप जिसने घर घर का सुख चैन छीन रखा है? मैडम सर, आप ये जो करने का सोच रही है ना, ये बिल्कुल ही असंभव है। सास बहू के बीच में ये जो अंतर है, जो मतभेद है, खुद को ही सही मानने की जो जिद है, ये कभी खत्म नहीं हो सकती। नहीं मतलब हम भी एक सास है इसीलिए कह रहे हैं, इसका कोई इलाज नहीं है मैडम सर। नहीं पुष्पा जी, अब तो जो हो गया वो हो गया, अब हम पीछे नहीं हट सकते। इस नामुमकिन काम को अब हमें मुमकिन करना होगा। ठीक है, फिर बताइए मैडम सर, आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रही हैं, फिर वैसा ही होगा। करिश्मा सिंह, इस केस में हमें आपकी जरूरत नहीं है। कोई बात नहीं मैडम सर, आप हमें बताइए क्या करना है। पुष्पा जी, हमें आपकी भी जरूरत नहीं है। देखिए, ये केस बहुत चैलेंजिंग हो गया है, और आप दोनों के रहने से बात और बिगड़ सकती है, इसलिए इस स्टेज पर आकर हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। आप दोनों इस केस से फ्री, आप जा सकती हैं। मैडम सर, करिश्मा सिंह, आप जा सकती हैं। जय हिंद मैडम। जय हिंद। पुष्पा जी, आप भी। जय हिंद मैडम सर।
नमस्कार दर्शकों, आज ना ही सिर्फ थाने का बल्कि पूरी महिला पुलिस फोर्स के इतिहास का वो पहला दिन होगा जो ना ही किसी ने देखा होगा ना ही सुना होगा। सास और बहू के बीच सदियों से चलती आ रही कभी ना खत्म होने वाली जंग आज खत्म हो जाएगी और इस इम्पॉसिबल काम को पूरा करके दिखाने वाली है SHO हसीना मलिक, वो भी आप सबके सामने ऑन कैमरा लाइव इस अदालत में। तालियां। अगर ऐसा होता है तो इस थाने के लिए बहुत बड़ी बात होगी और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बात भी पक्की है कि इस हार की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी महिला पुलिस थाने को। अब होता क्या है ये जानना तो बहुत दिलचस्प होगा। तब तक के लिए ताजी खबरों का इकलौता अड्डा आपका अपना सनी चड्डा। क्या बात, क्या तैयारी किया, पब्लिक पब्लिक जमा हुआ है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। समा कीजिए हसीना जी, ना मतलब जब से आपने वो ऑन कैमरा लाइव वाला चैलेंज लिया है ना, तब से हमारा हंसी जो है ससुरा रुक ही नहीं रहा ना। आज तक दुनिया ने जोक्स सुने होंगे पर अब पहली बार पूरी दुनिया जोक्स देखेंगी, वो भी लाइव आपकी मेहरबानी से। अरे भैया बहुत मजा आने वाला है, बहुत एंटरटेनमेंट होने वाला है, आप सबको ऑल द बेस्ट एडवांस में। चल अबे जब थाने को हारते ही देखना था तो टीवी पे देख लेता, यहाँ आने की क्या जरूरत थी, अपना नहीं तो कम से कम मेरे टाइम का तो वैल्यू कर। मतलब सर आप अपने टाइम का वैल्यू कीजिए, बताइए कितना कीमती वक्त है आपका, है कि नहीं। अरे बुद्धिहीन, दुश्मनों को हराने से ज्यादा उन्हें हारते हुए देखने में मजा आता है। इस थाने को मैं हारते हुए देखना चाहता हूँ आज भी और बेस्ट थाना प्रतियोगिता में भी। क्या समझा, आ चला। मैडम सर, मैडम सर, मैडम सर, मैडम आप दोनों क्या कर रहे हैं यहाँ? हमने कहा था ना हमें आपकी जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हम नहीं आना चाहते थे, हम नहीं आए हैं, ये हमको खींच के लाई हैं, हमारा अपहरण करके हमको जबरदस्ती यहाँ लाई हैं। पुष्पा जी, मैडम सर, आपने SI करिश्मा सिंह और कांस्टेबल पुष्पा सिंह को यहाँ आने से मना किया था ना, मगर सास बहू तो आ सकती है तो हम यहाँ सास बहू की हैसियत से आए हैं। हाँ लेकिन क्यों आए? आप यहाँ सास बहू के बीच में सुलह कराने जा रही है तो सोचा हम भी यहाँ आके देखते हैं कि शायद कोई फायदा और इन्हें अपनी सास की कीमत का पता चले। हमको पता चले आपको वैल्यू करना चाहिए बहू का, अगर सास बहू का वैल्यू करने लग जाए ना तो ये सास बहू का टंटा खत्म हो जाए। हाँ तो हम भी यही कह सकते हैं ना कि अगर बहू अच्छे से समझने लगे सास को तो ये टंटा जो है सास बहू के बीच में वो खत्म हो जाएगा। इसीलिए इस केस से हम आप दोनों को दूर रख रहे थे। अब जाइए, जाकर बैठिए अपनी अपनी जगह पर। इन्हें कहिए, जाइए जाइए जाइए। क्या लगता है जीते? कुछ कुछ लगता है संतू जी और बहुत कुछ लगता है, क्या क्या बताएं आपको, आप नहीं समझेंगे। जीते कभी ना सच्ची का लगेगा तुझे। मैडम सर के बारे में पूछ रही हूँ, क्या लगता है मैडम सर ये जनरेशन गैप जो है वो मिटा पाएंगी? वही वाला बात। संतू जी हमको तो नहीं लगता कि जनरेशन गैप वाला चीज मैडम सर मिटा पाएंगी। नहीं, सांप नेवला के बाद से जो सबसे बड़ा दुश्मनी है ना वही वाला दुश्मनी है जो आदिकाल से चलता आ रहा है और कहते हुए हमको बड़ा खराब लग रहा है लेकिन मैडम सर 200% इस मामले में फेल हो जाएंगे, गारंटी लिख लीजिए। वेलकम, यहाँ मौजूद सभी लोग और लाइव स्ट्रीम पर हमें देखने वाली हर सास बहू का हम हसीना मलिक SHO महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ स्वागत करते हैं। आज यहाँ इस जनता की अदालत में हम बहुत ही अहम और सदियों से पूछे जाने वाले सवाल का जवाब ढूंढेंगे, आखिरकार सास बहू को एक दूसरे से प्रॉब्लम क्या है? एक प्रॉब्लम हो तो बताए ना। अरे बोलिए बोलिए, आप छोटी कोई प्रॉब्लम है? शांत 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 शांत, प्लीज प्लीज आप सब शांत हो जाइए। आप सबको मौका दिया जाएगा जवाब देने का लेकिन इस तरह से नहीं। आप सबके पास पेन और पैड हैं? ओके, तो अब आप इन पर अपनी प्रॉब्लम्स लिखना शुरू कीजिए। अरे पेपर कम पड़ जाएगा इतने है।
है, तो अब चीता चतुर्वेदी और संतोष शर्मा एक एक कर चिट्ठियां पढ़ना शुरू करेंगे। ये क्या, ये तो कोरा पेपर है। ये सास को तो अपनी बहू से कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। संतोष जी, दूसरी तरफ पलट के देखिए, उधर लिखा हुआ है। पढ़ना शुरू करिए प्लीज। तंग आ चुकी हूँ मैं अपनी बहू से, हर वक्त बस सोना 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 सोना। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? गोल्ड तो हर किसी को पसंद है ना। संतोष जी, पहनने वाला सोना नहीं, सोने वाला सोना। वो जो रात में हम लोग सोते हैं, जो रोज रात में आपको मैसेज करते हैं ना, गुड नाइट स्वीट ड्रीम, जिसका कभी आप रिप्लाई नहीं करती। अच्छा, तभी देख आगे भी लिखा है कि जैसे मौका मिलता है सो जाती। प्रॉब्लम मेरी सास को मेरी हर एक चीज से प्रॉब्लम है, मेरे खाने से, मेरे पहनने से, मेरे उठने से, मेरे चलने से। असल में मेरी सास ही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मेरी बहू बिना मांगे मुझे ना नाश्ता देती है, ना खाना देती है, ना पानी देती है, कुछ नहीं देती। मेरी सास मुझ पर हुक्म चलाती है। मेरी बहू सारा दिन बस सजती सवरती रहती है। मेरी सास को मेरे पहनावे से प्रॉब्लम है, पेटू है, दिन भर खाती रहती है। एकदम थर्ड क्लास खाना बनाती है, हमेशा कुछ ना कुछ जलाती रहती है। बदतमीज है, अकड़ू है, झगड़ालू है, काम चोर है, चोर है, मुफ्त खोर है, पैसा उड़ाती है, सारा दिन सर खाती है, नौकरी पर नहीं जाने देती, मुझे तो जीने ही नहीं देती, जलती है, हाथ मलती है, चुड़ैल, डायन, छिपकली, कड़वी मूंगफली, हट हट, दूर हट हट। ये लिखा है? नो मैडम सर, नो। ये सब कैसे लिखा जा सकता है? ये सब तो फ्लो में निकल रहा है अपने आप। सॉरी। सो ये जितनी भी शिकायतें हमने सुनी, या जो इतने सालों से हम शिकायतें सुनते आ रहे हैं, उन सब को सुनकर ऐसा लगता है कि ये जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उनकी जड़ है नजरिया। जो सास का बहू से कभी मिल ही नहीं पाता, क्योंकि दो पीढ़ियों की सोच में हमेशा फर्क होता है। अरे का हसीना जी, ना मतलब का इधर उधर क्या कर रही हैं आप? मुद्दे पे आइए, पॉइंट पे आइए। करेंगी का और सिखाएंगी भी तो कौन, जो ना खुद सास है ना बहू। अजी, हम कौन होते हैं किसी को कुछ भी सिखाने वाले? सीखना तो दुनिया में सब कुछ खुद ही पड़ता है, और ये सास बहुएं भी एक दूसरे का नजरिया अब खुद ही सीखेंगी। अच्छा, वो कैसे? अरे बैठ जाइए ना, हर जगह टांग अड़ाते हैं। मतलब हम अपनी टांग अड़ा रहे थे, बैठ जाइए। ऐसा करने के लिए हमें कोई भी एक सास बहू की जोड़ी चाहिए, जो यहाँ पर आए, आमने सामने खड़ी रहे और बाकी सास बहू को रिप्रेजेंट करे। तो बताइए, इस काम के लिए यहाँ कौन आना चाहेगा? हम आएंगे मैडम सर, हम और करिश्मा जी। अच्छा, ठीक है, तो फिर मैडम सर, मैडम सर ये क्या कर रही है? मैडम सर किन लोग को बुला रही है यहाँ पर? अरे ये लोग तो वर्दी में झगड़ झगड़ के बहुत चाल मचाए रहता है ये लोग, अभी बिना वर्दी का खाड़े में आया ये लोग। प्लीज मैडम सर, प्लीज ये लोग को मत बुलाइए, प्लीज। मैडम सर चीता सही बोल रहा है, ना बोल दो ना इनको। हाँ। आप दोनों से पूछा हमने? नहीं मैडम सर, मैं ना बोल रही थी, चीता सुना नहीं। चल जाइए अपनी जगह पर। चल चल चल, आइए आप दोनों आमने सामने आइए। बताइए क्या करना है? वही जो आप दोनों दिन रात सुबह शाम बिना जगह देखे, बिना मौका देखे करती हैं, बहस। लेकिन इस बार ये बहस थोड़ी हटके होगी, थोड़ी अलग होगी, क्योंकि इस बार आप दोनों को एक दूसरे की जगह लेकर बहस करनी है। इसका मतलब सास बनेगी बहू और बहू बनेगी सास। सारी बातें वही होंगी, सारी शिकायतें वही होंगी, सारे प्रॉब्लम्स वही होंगे, लेकिन आप बनेंगी आदर्श बहू और आप बनेंगी आदर्श सास, और फिर करेंगी बहस। तो शुरू करें जी। करते ऑल द बेस्ट। अच्छा बदनाम भाई, क्या कहते हो, कौन जीतेगा, करिश्मा मैडम पुष्पा मैडम? अरे पुष्पा मैडम तो बवाल है, तो करिश्मा मैडम भौकाल है, समझे? अब बेटा तुम कोरे कागज पे लिख लो, जीतेगी तो पुष्पा मैडम, समझते हो ना? लगी शर्त बाबा, डन। ओके शुरू कीजिए।
समझ नहीं पा रहे हैं हम कि हम क्या कहे और किस मुंह से तुमसे माफी मांगे बहू रानी, किस मुंह से तुमसे माफी मांगे बताओ। नहीं मतलब हम इतना टें टें करते हैं, तुम हमारा इतना चक चक झेलती हो, हम तुम्हें हर बात पे टोकते हैं, तुम्हें इतना परेशान करते, लेकिन फिर भी तुम एक शब्द नहीं कहती हो। मतलब इतना कैसे झेल लेती हो तुम हमको बहू रानी, हमको समझ में नहीं आता। अब हमने ना एक बात समझ ली है कि जब तुम थाने में हमारी सीनियर रह सकती हो तो तुम घर में भी हमारी सीनियर रह सकती हो, इसलिए ये चाबिया तुम संभालो, अब से घर तुम ही संभालोगी, ठीक है? बात सही है। हम आज ही प्री रिटायरमेंट ले लेंगे। अरे नहीं नहीं सासू माँ, आप ये क्या कर रही हैं? अभी आपकी उम्र ही क्या है, आपने देखा ही क्या है जिंदगी में जो आप रिटायरमेंट लेने के बारे में सोच रही है? देखिए आप ही इस घर की बॉस थी, बॉस है और हमेशा बॉस रहेगी, इसीलिए ये जो चाबियां है ना आपके पास ही संभाल के रखिएगा। हम क्या है, हमको तो कुछ नहीं आता, बस प्यार और गुस्से के अलावा, है ना? देखिए ना कितनी बुरी बहू है हम, जो इतनी महान सास को समझ ही नहीं पाए आज तक, है ना? रानी, पूरी हम हैं, तुम नहीं हो। नहीं नहीं सासू माँ, बुरे तो हम हैं, देखिए ना आज तक खाने के नाम पे जहर पकाते आए और आप कितनी अच्छी है जो उस जहर को भी खाना मानकर खाती रही आज तक, है ना? बहू रानी जहर ही सही, लेकिन सही टाइम पे खाना तो देती हो, हमारे भरोसे रहेंगे तो पूरा खानदान भूखा मर जाएगा। क्योंकि क्या है ना बहू रानी, सासों को बैठ के सिर्फ हुक्म चलाना आता है, क्यों? बिल्कुल सही। ये तो आपका अधिकार है सासू माँ, क्योंकि आप बड़ी हैं, घर की मालकिन हैं। अब मालकिन हुक्म नहीं चलाएगी तो फिर कौन चलाएगा, हम? सही जा रही है, सही कहा, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं मतलब सारा अधिकार हमारा है, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। तुम इस घर की बहू नहीं हो, तुम भी इस घर का हिस्सा नहीं हो। नहीं नहीं सासू माँ, आपका ही अधिकार है। नहीं नहीं बहू रानी, तुम्हारा है, हम हर बात पे टोका टाकी करते रहते हैं तुमसे, आज तक तुम्हारे एक भी फैसले का हमने सम्मान नहीं किया। नहीं मतलब हमें भी तो तुम्हारे कभी किसी एक फैसले का सम्मान करना चाहिए कि नहीं? ठीक है, मगर अलमारी की चाबी आप ही के पास रहेगी कह रहे हैं हम। हाँ नहीं क्या है ना, अगर अलमारी की चाबी हमारे पास रहेंगी तो हम बेफिजूल के खर्चे करते रहेंगे, महंगी महंगी चीजें घर में लाते रहेंगे, जैसे कपड़े, घड़ी, महंगा काला चश्मा, है ना? और आपको आधी कीमतें बताएंगे। सच कहें सासू माँ, हमको ना इस बात के लिए आपसे माफी मांगनी चाहिए, ऐसे कान पकड़ के। माफी काहे मांग रही हो तुम बहू रानी, तुम माफी मत मांगो। ये जो खर्चा तुम करती हो, ये क्या सिर्फ तुम अपने ऊपर ही करती हो? और तुमको याद है तुमने हमें एक मोबाइल दिया था आधे रकम का बता के, तुमने वो मोबाइल हमें क्यों दिया था? क्योंकि हमें वो मोबाइल बहुत ज्यादा पसंद आ गया था, पर उसका रकम सुन के हमारा हिम्मत नहीं होता कि हम उसको खरीद ले। तुमने हमें उस मोबाइल का आधा रकम बताया ताकि हम वो मोबाइल इस्तेमाल कर सके, याद है? थोड़ा विश्वास हमें भी तो करना चाहिए ना अपनी बहू पर कि वो ऐसे अनाप शनाप बेफजूल के खर्चे नहीं करेगी, और अगर खर्च कर भी रही है तो घर का बचत का सोच के कर रही होगी। इतना विश्वास तो हमें तुम पर होना चाहिए बहू रानी कि कल को अगर घर में कोई परेशानी आ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, तो तुम्हारे अकाउंट में इतना इतना सेविंग जरूर होगा, तुमने बचा के जरूर रखा होगा, क्योंकि वो सबके बारे में सोचती है। इसलिए ये हक सिर्फ तुम्हारा है, क्योंकि तुम बचत करना जानती हो और हमें तुम पर थोड़ा विश्वास होना चाहिए, इसलिए तुम संभालो। सही कह रही हैं आप। सच में हमें बहुत ही अच्छी और आदर्श बहू मिली है।
आपको बहुत अच्छी और आदर्श बहू मिली है जो सबके बारे में सोचती है, तो जैसा आप चाहती हैं ये सारी चाबियां हमारे पास ही रहेंगी क्योंकि अब ये हमारा अधिकार है। लीजिए पुष्पा जी। क्या बात है सासू मैया, आज तो आप बिना ओवर एक्टिंग के हमारा नजरिया समझ गई। आपका नजरिया तो आपका चश्मा लगाने के बाद ही हम समझ गए थे बहू रानी, और हम ये भी समझ गए हैं कि आप बचत भी करती है और उन्हीं बचत के पैसों से ही आपने वो चश्मा खरीदा है। का? ना मतलब ये का चल रहा है? जनता जनार्दन को बेवकूफ समझ के रखे है क्या? ना पहले से ही तैयार किया हुआ नौटंकी दिखा देंगे तो ये पब्लिक मान जाएगी आपका बात ना? बिंदु जी आप मान जाएंगे, परमिशन दे देंगे अपनी बहू को गाड़ी लेने का? अरे हरगिज नहीं। देखिए कह रही है कि हरगिज नहीं। देखिए हसीना जी आपका ये तिकड़म तो काम नहीं आया ना, अब कोनो और तिकड़म हो तो बताइए। एक मिनट बिंदु जी, आप एक बार अपनी बहू की बात समझने की कोशिश तो करिए। हाँ तो आती हूँ ना मैं अपनी बहू की जगह बहू बनकर, और इसे कहिए कि ये मेरी सास बनकर दिखाए और मुझे कन्विंस करे कि मैं कार खरीदूं। अरे मैं चैलेंज देती हूँ, दम है ना तो अपनी बात मनवा के दिखा ले। अरे जाओ जाओ, अरे दिखा, अरे जाओ बेबी जाओ जाओ, अरे जाओ। तो देखा आपने दर्शकों कितना रोमांचक रहा ये सेशन। एसएचओ हसीना मलिक ने कम से कम एक सास और बहू का झगड़ा सॉल्व करके दिखा दिया, पर इस केस के ओवरऑल मामले में दिल्ली अभी दूर है। एसएचओ हसीना मलिक का असली इम्तिहान तो अब शुरू होता है इस सवाल के साथ कि क्या वो ईशा और इंदु नाम की सास और बहू का झगड़ा सॉल्व करवा पाएंगी। देखते हैं इस ब्रेक के बाद। हे भोलेनाथ, पता नहीं अब क्या होगा। बिंदु जी ने तो ठान ही लिया है वो अपनी बहू की बात नहीं मानेंगी। अगर उन्होंने बात नहीं मानी तो केस हाथ से निकल जाएगा, और अगर केस हाथ से निकल गया तो हमारे थाने की इज्जत की फजीहत हो जाएगी। पर से ये बुलबुल पांडे अलग आग में घी झोंक रहा है। मैडम सर, हमको समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। हम ये केस कैसे जीतेंगे, ये प्रतियोगिता कैसे जीतेंगे? ऐसे हम हार गए तो? नहीं करिश्मा सिंह, इस बार हम किसी भी कीमत पर हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सवाल अब सिर्फ किसी कॉम्पिटिशन या किसी केस का नहीं है, सवाल उस उम्मीद का है जो इस शहर के लोगों ने हमारे महिला पुलिस थाने से लगाई है। हम उस उम्मीद को नहीं टूटने दे सकते। तजुर्बा कहता है हमारा, नतीजा मायने नहीं रखता, कोशिश मायने रखती है। संतोष शर्मा, चीता चतुर्वेदी। मैडम सर, आप दोनों के लिए एक काम है। राउंड टू की शुरुआत करते हैं, आप दोनों आइए हमने सामने। अब मैं तुझे दिखाती हूं कि आदर्श बहुएं कैसी होती हैं और अपने सास के सामने कैसे पेश आती हैं। अब तू मुझे कार खरीदवाने के लिए मना के दिखा दे। क्या फायदा, जब आपने ठान ही लिया है कि आपको मुझे समझना ही नहीं है तो हमें कुछ नहीं करना है। डर गई ना, बन जाए ना सास, बना लेना मुझे कार लेने के लिए। इंदु जी, आपकी बहू को सास बनने की जरूरत ही क्या है जब आपकी खुद की सास यहाँ मौजूद है। मेरी जी, ये रही आपकी सासुमा श्रीमती कमला देवी।
आपकी बहू को सास बनने की जरूरत ही क्या है जब आपकी खुद की सास यहाँ मौजूद है। मेरी जी रही आपकी सासुमा श्रीमती कमला देवी। दादी मम्मी आपके बच्चे की मम्मी। अरे बाल तो कलर करवा लिए लेकिन अकल ठीक नहीं करवाई। पैरी पना सासुमा की सासुमा। खुश रहो खुश रहो खुश रहो। सब मैं क्या सुन रही हूँ क्या सुन रही हूँ मैं है? देख जैसी करनी वैसी भरनी। जो तूने मेरे साथ किया ना वही तेरी बहू तेरे साथ कर रही है। जैसे तूने मेरे बेटे के पैसे खर्च करिए तेरी बहू वैसी ही मिली है तुझे। तेरे बेटे के पैसे खर्च कर रही है वो। लेकिन वो। अरे लेकिन क्या 5 साल पहले तूने कितना खर्च किया था तुझे याद है? तुझे पता था ना कितनी गरीबी है तेरे बाप के घर में। कैसे रहकर आई है तू वहां से छोटी छोटी चीज के लिए तरसती थी है? इतना फुजूल खर्ची उस टाइम पे स्कूटर के लिए फुजूल खर्ची की मेरे बेटे की। अरे साइकिल चलाने में तो टांग टूट रही थी तेरी। हाँ स्कूटर खरीदवा लिया और बताओ क्या क्या फुजूल खर्ची की है तूने मेरे बेटे के पैसे की खा मखा की। अरे उस टाइम जरूरत थी वो टाइम अलग था ये टाइम अलग है। ये देखो जमाना और था। मतलब तुम करो तो जमाना वक्त सब अलग और अगर तुम्हारी बहू करती है तो वो गलत करती है ना है? आप तो समझ ही नहीं रही हैं। आपसे बात करने का कोई फायदा नहीं है आप बिल्कुल नहीं समझेंगे। हेलो समझाने की बात होती तो समझाती कभी तूने मुझे समझाया कुछ। आप सबके बीच में कोसना बंद कीजिए ना। अच्छा नहीं लगा ना आपको आपकी सासू माँ का इस तरह सबके सामने आपको कोसना। जो आप यहाँ अभी खड़े होकर महसूस कर रही हैं, ठीक वैसी ही कैफियत आपकी बहू हर रोज महसूस करती है। कैफियत? कैफियत संतोष जी, कैफियत। कैफियत का मतलब वही होता है जो अभी थोड़ी देर में मैडम सर बताएंगे, किताब में भी मिल जाएगा। जो कंप्लेन आपको अपनी सास से है वही सारी कंप्लेन आपकी बहू को आपसे है। अगर आप कहती हैं कि आपकी बहू ने आपको कभी समझने की कोशिश नहीं की तो क्या आपने कभी अपनी सास को समझने की कोशिश की? कई सालों पहले जिन तकलीफों से आप गुजरी थी उन्हीं तकलीफों से आपकी बहू आज गुजर रही है। बहन जी आज समझ में आ रहा है हर पीढ़ी का अपना एक तजुर्बा होता है मगर वक्त बदलता है लोग बदलते हैं हालात बदलते हैं दुनिया बदलती है तो फिर क्यों बड़े अपने जमाने के तजुर्बे को इस जमाने की पीढ़ी पर थोपना चाहते हैं? वो था वो हो गया अब ये है जिसका हमें भी कोई तजुर्बा नहीं है फिर किस बुनियाद पर हम उन्हें समझाना चाहते हैं? तो बेहतर ये नहीं होगा कि उनको उनकी लाइफ के साथ जीने दिया जाए उनको हक दिया जाए कि वो अपने लाइफ के फैसले खुद ले सके। नहीं मतलब उनको भी गलतियां करने दीजिए अगर गिरेंगी तो अपने आप को संभाल लेंगी अगर डूबेंगी तो तैरना सीख जाएंगी और अगर भूख लगेगी तो रोटी का कीमत भी समझ ही जाएंगी वो तो उनको जीने दीजिए। तो वक्त आ गया है इस बात को समझने का कि नई जनरेशन को सिखाना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी है उनसे सीखना। सास और बहू का रिश्ता एक गिव एंड टेक की तरह होना चाहिए एक दूसरे को ओवर पावर करने का नहीं। इसलिए आप लोग कोशिश करिए इस जिंदगी की मुश्किलों को एक साथ मिलकर दोस्त की तरह निपटाइए। आपको पर्पल कलर पसंद था ना? पसंद था क्या अब भी है? हाँ तो ठीक है ना तय हो गया गाड़ी तो पर्पल रंग की आएगी। कौन सी गाड़ी? अरे वही जो तूने लेनी है। नहीं
मैं भी कोशिश करूंगी कि गाड़ी 20 लाख की नहीं 10 लाख में आ जाए। अरे वाह, इतनी जल्दी सीख गई। हसीना जी ठीक है, किस्मत का बात है, कभी नाव पानी में तो कभी पानी नाव में। ये बाजी जीत गए हैं, लेकिन याद रखिएगा बड़ा वाला कंपटीशन अभी बाकी है, बेस्ट थाना प्रतियोगिता, और वो कंपटीशन तो हम मेल थाना वाला ही जीतेंगे। कोशिश कोशिश करते रहिए पांडे जी, कोशिश ही सक्सेस की चाबी है, कभी ना कभी तो लग जाएगी। ऑल द बेस्ट। जय हिंद। जय हिंद। मैडम सर, यहाँ भी नहीं मिला संतु जी। कहाँ गए होंगे थाने के सारे ब्लैंक पेपर्स? पता नहीं संतु जी कहाँ चला गया सारा पेपर, पता करना पड़ेगा कौन है पेपर चोर। संतु जी देखिए ना, आंख भी नहीं खुल रहा हमारा, संतु जी देख रही है ना, ये है पेपर चोर, इसको तो हम अभी बताते हैं। नहीं 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 नहीं, रहने दे, हो सकता है शायद अपनी गर्लफ्रेंड को लव लेटर लिख रहे हो। संतु जी गर्लफ्रेंड को लेटर लिखने के लिए ना एक अदद गर्लफ्रेंड भी होनी चाहिए। एक बार इसका शक्ल देखिए, इसका डरावना शक्ल देखिए, ऐसा मनहूस भयंकर भयानक विक्रांत बैताल शक्ल को देखने के बाद से कौन लड़की इसको अपना बॉयफ्रेंड बनाएगी, कौन बनेगी इसकी गर्लफ्रेंड। अरे यार, ये डिस्टर्बेंस की दुकान ना, जब देखो डिस्टर्ब करते रहते हैं मुझे। अरे वो नादान परिंदे, और तुम ना प की जगह द लगा लेना। नादान दरिंदे। अरे तुम्हें पता नहीं है तुम किसका मजाक उड़ा रहे हो। आपका? अरे एक सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर का, कल के एक महान लेखक का। किधर है? किधर? हमको तो नहीं दिख रहा, किधर? इधर इधर है, इधर। तुम्हें पता है मैं क्या लिख रहा हूँ? सुसाइड नोट। कहानी लिख रहा हूँ, कहानी, वो कहानी जिसके ऊपर बनेगी एक महान फिल्म, और फिर ये बिल्लू चंपत होगा सबसे बढ़िया सुपर हिट स्क्रिप्ट राइटर, एक महंगा स्क्रिप्ट राइटर जो एक स्क्रिप्ट लिखने के लिए लेगा सिर्फ एक चाय समोसा, अदरक के छिलके, करोड़। ओ, 1 करोड़ चाय समोसा। संतोष जी आप इसके साथ मत रहा करो। बात सुनो, चाय समोसा जैसे छोटा औकात वाला लोग को ना बड़ा बात नहीं करना चाहिए, बात मानो। छोटी सोच के छोटे इंसान, ये देख मेरी मोटी मोटी स्क्रिप्ट तैयार है, और ये स्क्रिप्ट नहीं है, सिर्फ स्क्रिप्ट नहीं है, ये एक छलांग है। छी, इतना छोटा छलांग। अभी चीती ये डेमो है, असल में देखो क्या होता है, एक छोटे थाने के बिल्ली निवास से लेकर बंबई के सबसे बड़े थाने के बिल्ली निवास तक। अच्छा ये बताओ कहानी क्या है? यस, तो मेरी कहानी एकदम न्यू है, फ्रेश है, अलग है। ये कहानी है दो पुलिस वालियों की, एक एकदम खड़ूस कड़क जो हर वक्त पे लातों से मुक्के से ही काम चलाती है, और दूसरी एकदम समझदार जज्बाती है। बाप रे बाप, बिल्कुल नया कहानी लिख दिए हो यार, तू बहुत ज्यादा नया है ना? आगे सुनो। तो नरम पुलिस वाली जो है वो गरम पुलिस वाली को जज्बात की वैल्यू समझाती है, कैसे प्यार से मोहब्बत से कैसे ड्यूटी किया जाता है ये समझाती है। यही है मेरी महान स्क्रिप्ट की महान कहानी, और इसमें एक हीरो है एक नादान है। हीरो कौन? ऑब्वियस जज्बात वाली पुलिस वाली। और नादान कौन? ऑब्वियस खड़ूस टोपा होकर पुलिस वाली, और कौन? ठीक है।
कौन ऐसा कहता है? कहानी में ट्विस्ट है, सस्पेंस है, मतलब एक्चुअली जो नादान पुलिस वाली है वो हीरो पुलिस वाली है और जो हीरो पुलिस वाली है वो नादान पुलिस वाली है, वो क्लाइमेक्स में पता चलता है। क्लाइमेक्स में पता चलता है? इंटरव्यू के बाद, पॉपकॉर्न खाने के बाद ही पता चलता है। और तुमको क्या लगता है तुम्हारा ये घटिया वाहियात जो स्क्रिप्ट तुम लिखे हो, कौन बेअकल होगा जो इस स्क्रिप्ट में मूवी बनाना चाहेगा? मैडम मेरी कहानी बकवास नहीं है, मेरी कहानी के लिए डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे आगे गिड़गिड़ाएंगे। क्या और क्या बोलेंगे कि प्लीज ये फिल्म मत बनाओ, प्लीज मत बनाओ। मैडम एक मुंबई का डायरेक्टर है, वो अपने लखनऊ शहर में आया हुआ है, मतलब उसकी आखिरी कुछ फिल्में ना इतनी पीटी है, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई है, वो अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई कहानी ढूंढ रहा है। तो आजकल स्मॉल टाउन की फिल्में बहुत चलती है, तो इसीलिए उन्होंने मुझसे अपॉइंटमेंट लिए है, तो मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ। मैडम वेट एंड वॉच। का नाम क्या है तुम्हारे डायरेक्टर का? हम तो बाल काटते हैं, एक नंबर बाल काटते हैं। लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप कहानी सुनाएंगे। देखो मैंने अभी तक कुछ कहा ही नहीं, यही सब कुछ बोल रहे हैं। तुम बोल रहे हो, जाओ तुम ही सुनो, सुनो सुनो। कौन है भाई? की चल रहा है यहाँ लाश? सर कैलाश है। की? सर मेरा नाम कैलाश है। तो मैं भी तो वही कहा, लाश। जाने दीजिए सर। है कौन है? ये कौन है? अरे आप इन्हें नहीं जानते? नहीं। ये है शंभू स्पीलबर्ग, द ग्रेट सुपर हिट डायरेक्टर। ओ, आप हो शंभू स्पीलबर्ग? ये महान। तो तुम कौन हो? मैं इनका असिस्टेंट कैलाश कुमार। तभी मैं सोचू ये चपड़गंज डायरेक्टर नहीं हो सकता। लाश कौन है? नमूने वो बाल काटने आया है, आप क्या समझना बेचने आए हैं, और ये राइटर है तो कहानी सुनाने आए हैं। सर सुनिए सर, एक बार आप मेरी कहानी सुनेंगे ना तो आप अपने आप को रोक नहीं पाएंगे फिल्म बनाने से। रोक तो मैनू को ही नहीं सकता तुझे यहाँ से बाहर फेंकवाने से, समझा? आया बड़ा राइटर, और चार नावल ते पांच हॉलीवुड फिल्में देख के ना कोई राइटर नहीं बन जाता। ओ स्कॉटी ने बुला और बाहर काटी ने स्कॉट। ओए की कर रहा है? ओए काटा इसने, ओ लग जाएगी ओए तो लाश, समझा इसने? भाई पीछे कर ले भाई, नीचे करो। नहीं 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 सर, ये तो हम बाल काटने के लिए निकाले हैं। देखिए हमें हुनर दिखाने का मौका दीजिए ना, देखिए हम आपके बाल काटेंगे, ये कहानी सुनाएगा, और बाल और कहानी में तो कुछ भी गलत आपको कुछ भी बुरा लगेगा ना, तो इसी का चीज को गंजा कर दीजिएगा, इसकी कसम अगर हम झूठ बोले तो मर जाए, तुरंत मर जाए। कुर्ता पहना सर। तो ये कहानी है दो महिला पुलिस वालियों की, दो अलग अलग थॉट की, दो अलग अलग विचारों की। एक है जज्बातों की सलाद, नाम हसीना मलिक, आपकी सीनियर और आपके थाने की नई इंचार्ज। और दूसरी है एकदम कड़क खड़ूस फौलाद, सब इंस्पेक्टर करिश्मा सिंह रिपोर्टिंग मैडम सर। जज्बात वाली पुलिस वाली है, वो जज्बातों से काम लेती है, और जो कड़क करिश्मा सिंह है वो पुलिस वाली है एकदम लातों और मुक्के से काम लेती है। दोनों का काम करने का तरीका एकदम अलग, लेकिन मंजिल एक, मकसद एक, कानून की सुरक्षा करना। सर ये फिल्म बनाने के लिए ना हिम्मत चाहिए। ओए हिम्मत दी की गल कर रहा है? और शंभू पिलबर्ग से ज्यादा हिम्मत वाला, जिगर वाला, हैक लेजे वाला बंदा पैदा नहीं हुए, समझा? और मैं ना किसी से बाप तो नहीं डरता। एक मिनट।
हेलो बेबी, हेलो जानू। ओ मेरी बेबी दी ना बहुत लंबी उम्र है, इतने मैंने फोन उठाया सी तैनू करन वास्ते, उत्थे तूने घंटी मार दी। झूठ मत बोलो। नहीं नहीं सच्ची बोल रहा हूँ बेबी। कुछ भूल तो नहीं रहे हो? ओ मैनू याद है बेबी, मैनू याद है, हर आधे घंटे बीच मैनू रिपोर्ट देनी है, मैं कित्थे हूँ, किसके साथ हूँ, ते क्या कर रहा सी। होगी तसल्ली बेबी? एक गलती वास्ते तुसी अपने पिल्लू नाल ट्रस्ट करना ही छोड़ दिता। इट हर्ट्स मी, दुखता है। शट अप, आधे घंटे में वापस कॉल नहीं आया तो जिंदगी भर बोलोगे दुखता है। रखो फोन। ओके। और क्यों आया हुए? और देखो ऐसा है ना, दुनिया का कोई भी पति ना अपनी पत्नी नाल डरदा नहीं है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, सारे उनानु प्यार करते हैं। हाँ हाँ, सही बोला। तो मैं भी अपनी बीवी नाल प्यार करता हूँ, तो कौन सा स्यापा पै गया? कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ओ की नासी तेरा? नासी नासी आपका नाम पूछ रहे? नाम ना, नाम नाम हाँ, नाम श्री बिल्लू चंपत। नाम भी चोर चक्को वाला लिए फिर रहा है बंदा। इसको कैसे पता चला? चल भाई कंटिन्यू कर गानी। कंटिन्यू सर। सर हम देखते हैं वाइड फ्रेम में महिला पुलिस थाना, और वहीं पे ट्रॉली से कैमरा ऐसा इन होता है। कैमरा कितों रखना है वो मैं बताऊंगा, तू अपनी टोरी बता। हाँ, हाँ। तो ये जो महिला पुलिस थाना है, ये कड़क पुलिस वाली है करिश्मा सिंह ये चलाती है। तभी उसी दिन SHO हसीना मलिक वहां आती है, अपॉइंट होती है। संतोष शर्मा, नए केस का रिपोर्ट रेडी है? रेडी है मैडम। ग्रेट, दीजिए। वेरी गुड संतोष शर्मा। हसीना ने करिश्मा से कहा तजुर्बा कहता है हमारा, ये क्या है? नहीं ब, 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 रिपोर्ट है मैडम सर, वो आपने पेज उल्टा पकड़ा है, वो सीधा कर दीजिए। ये क्या है? ये बिल्लू की कहानी थी। थी मतलब वो तो किसी डायरेक्टर को सुनाने गया था ना अपनी कहानी। डायरेक्टर ने रिजेक्ट कर दिया, वो बिल्लू की लिखी हुई कहानी पर फिल्म बनाने से मना कर दिया डायरेक्टर ने, तो बिल्लू बेचारे का दिल टूट गया। तो उसने जिन जिन पेपर्स पे कहानी लिखी थी ना, वो सारे पेपर्स उसने रिटर्न कर दिए, तो मैंने रीयूज किया और उसी पर रिपोर्ट प्रिंट करवा के आपके सामने ये रिपोर्ट। संतोष शर्मा, हमें इस रिपोर्ट पर साइन करके इसे हेडक्वार्टर भेजना है। हाँ मैडम सर, भेजिए ना। फ्रेश पेपर पर नई रिपोर्ट का प्रिंट आउट लेकर आइए। ओके, अभी। जय मानस। जब से बेचारे बिल्लू की कहानी धुतकार दी गई है, खुद दर्द भरी कहानी बनके झूले पे झूल रहा है। अरे का पुष्पा जी, ऐसे टोपा इंसान को ना एक तो एक्स्ट्रा कंटाप मारने चाहिए, तो जिंदगी की छोटी छोटी जो ये असफलता होती है ना, इसमें टेस्ट हुए भाने लगते हैं। लगाएं क्या इसको कंटाप? ये क्या कह रही हैं आप? माना कि शरीर से लगता है अभी भी भालू, मगर दिल का अभी भी बच्चा है। आत्मविश्वास दिलाना होता है बच्चों को ऐसे समय, खुद पर भरोसा करना सिखाना होता है। और देखिए। नहीं नहीं, हम जाकर समझाते भालू जी को, बिल्लू जी को। हाँ जा जाओ समझाओ। बिल्लू, बिल्लू जी, बिल्लू बेटा। अरे अरे देखो हमारी बात तो सुनो, ऐसे नहीं करते। पकड़ 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 पकड़। बैठाओ। क्या नाटक? बैठो क्या नाटक? बैठो इधर। मैडम करिश्मा, मैडम देखिए इसको, वो गुस्सा करेंगे। देखो बेटा बिल्लू, ऐसे रोते नहीं, जिंदगी में छोटी छोटी असफलता तो होती रहती। देखिए बिल्लू जी, हम मानते हैं कि बहुत ही बाहियात है आपकी स्क्रिप्ट, लिखना विखना आपकी बस की बात नहीं है। सुनिए सुनिए, देखिए बिल्लू जी, वो डायरेक्टर क्या मैं होती तो मैं भी रिजेक्ट करती, लेकिन लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ना संतू कि कोई ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाए। हाँ हम क्या कहते हैं बिल्लू कि तुम अपनी ये कहानी किसी दूसरे निर्देशक के पास लेके जाओ ना, उसे सुनाओ अपनी कहानी, अपना संघर्ष जारी रखो। देखना हम कह रहे हैं, माँ मानते हो ना तुम हमें? माँ। हाँ तो हम कह रहे हैं तुम्हें, तुम्हारी लिखी कहानी का एक भी पन्ना बेकार नहीं जाएगा। लेकिन बेकार गया। अरे
बिल्लू जी, आपके स्क्रिप्ट का एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। पता है आपको, मैं आपको बताती हूँ क्या क्या यूज हो सकता है। बदनाम जो है वो समोसे लपेट सकता है, इकबाल जो है वो एरोप्लेन बना के उड़ा सकता है, एक भी पेपर वेस्ट नहीं होगा। पुष्पा रो नहीं तो क्या करूं, इतनी मेहनत से मैंने अपनी कहानी लिखी थी, स्क्रिप्ट लिखी थी, एक एक शब्द पे 6 महीने तक मैंने काम किया, उस शब्द को स्पीलबर्ग ने 6 सेकंड में मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बिल्लू चंपत। हाँ मैडम सर। हमने पढ़ी तुम्हारी स्क्रिप्ट। थैंक यू मैडम सर। कुछ कुछ सीक्वेंसेस तुमने वाकई बहुत अच्छे लिखे हैं। मैडम सर तो आप ही डायरेक्ट करो ना, ये थाना करिश्मा मैडम संभाल लेगी, आप डायरेक्ट करो। मैडम सर किसका बात सुन रही हैं आप, फालतू का बकैती कर रहे हैं। चुप। बिल्लू हम सीरियसली कह रहे हैं, कुछ कुछ सीन्स वाकई बहुत ही इंटरेस्टिंग और रियलिस्टिक है, सच्चाई है उनमें बहुत। देखो माना कि तुम्हारे इस क्या नाम है, शंभू स्पीलबर्ग, इसको तुम्हारी स्क्रिप्ट नहीं अच्छी लगी, लेकिन और भी तो डायरेक्टर्स हैं। हाँ हो सकता है कि उसमें से भी आधे से ज्यादा तो ना ही बोल दे, बट फिर भी आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, हिम्मत मत हारिए। बिल्लू द पॉइंट इज कि भले ही एक डायरेक्टर ने मना कर दिया, लेकिन बहुत से डायरेक्टर्स हैं, तुम कोशिश करते रहो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई तुम्हारी बात जरूर मान जाएगा। मैडम सर थैंक यू, मैं जरूर कोशिश करूंगा। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। ताजी खबरों का इकलौता अड्डा, आपका अपना सनी चड्डा लाया है आप सबके लिए आज की सबसे धांसू खुशखबरी। कांग्रेचुलेशंस मैडम, आप और करिश्मा मैडम की रियल लाइफ पे बेस्ड एक पिक्चर बन रही है। क्या? हाँ मैडम, ये देखिए आज के न्यूज़पेपर में इसकी लॉन्च पार्टी का मेंशन है, और ये जो डायरेक्टर है शंभू स्पीलबर्ग, क्या पार्टी थ्रो कर रही है लॉन्च की खुशी में, पता है आपको? और इसने अपने इंटरव्यू में साफ साफ मेंशन किया है कि ये जो फिल्म है ये 2 फीमेल कॉप्स की रियल लाइफ पे बेस्ड है। एक फीमेल कॉप जो बहुत ही हाई टेम्पर्ड है। टेम्पर्ड का मतलब? अरे मैडम गुस्सा तो पता है ना आपको। और दूसरी फीमेल कॉप जो इमोशंस के साथ अपने केसेस को हैंडल करती है। बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बनूंगा, इतना महंगा, इतना अमीर बनूंगा कि देखना आज मेरा बिल्लू निवास थाने में है, कल थाना बिल्लू निवास में होगा, इतनी बड़ी जगह लूंगा मैं। ये आज तक की उधारी के सारे पैसे, चुपना मुंह इधर कर, ये ले। नहीं तो ये बोलेगा ना कि इतना बड़ा स्क्रिप्ट राइटर बना है और मेरे चाय के पैसे मार दिए। अबे सुनेगा? तू बोल। देख मेरा पहला इंटरव्यू मैं तुझे ही दूंगा और बोलूंगा कि देखो मैंने स्क्रिप्ट ना बहुत ही बेकार हालत में लिखी है, मेरे बिल्ली निवास में लिखी है। तो अबे ओ बिल्लू, क्या हुआ? अबे इसमें कहीं तेरा नाम ही नहीं लिखा राइटर में। क्या? हाँ देख ले, क्या राइटर और डायरेक्टर में शंभू स्पीलबर्ग का नाम लिखा है। ऐसा ही है, डायरेक्टर ने इंटरव्यू में साफ साफ लिखा है कि स्क्रिप्ट उसकी है, उसी ने लिखी है और उसी ने सोची है। फालतू में नन्ना भालू जैसा कूद रहा था बिना मतलब का। अरे अब तक हमको बेवकूफ बना रहा था, अच्छा जो उधारी मिल गई। इधर ला। इतनी सारी ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन क्या इस शंभू स्पीलबर्ग ने तुम्हारी कहानी चुरा ली? अब राइटर्स में तो हर जगह इसी का नाम है मैडम। लगता है बहुत जोर का सदमा लगा है बेचारे को। मिल गया दवाई, इसको भी ठीक रहेगा ना रे। एक बात बताओ, तुम्हारे पास
तुम्हारी कहानी का कॉपीराइट है? शंभू स्पीलवर ने भी यही सवाल पूछा था, जिसका मतलब मुझे नहीं पता। मतलब नहीं है? मतलब इसका कोई मतलब नहीं? नहीं 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 बिल्लू जी, कॉपीराइट का मतलब होता है कि किसी भी कहानी, किरदार, गाना या आर्टिकल, जितनी भी आपकी अपनी रचना होती है, उस पर कानूनन अधिकार करवाना। उसके बाद आपके अलावा आपके परमिशन के बिना उसे कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। जैसे हम बैंक के लॉकर में कैसे हमारा सामान सेफ रखते हैं, है ना, ठीक वैसे ही रजिस्टर करवाने के बाद, कॉपीराइट हासिल करने के बाद आपकी जो क्रिएटिव चीज़ है ना, वो कानूनन महफूज हो जाती है। फिर इन जैसे चोरों से हम कानूनन निपट सकते हैं, कंप्लेन फाइल हो सकती है, सज़ा दिलवाई जा सकती है, हर्जाना वसूल किया जा सकता है। मैंने तो कॉपीराइट करवाए नहीं, यार जाना क्या, मर जाना ही बाकी है। तो ये चोर शंभू स्पीलबर्ग नाम भी चोरी का लेके घूम रहा है, इसको ना इसकी करतूत की सजा मिलनी ही चाहिए। ऐसा कंटाप मारेंगे ना इसको कि अपना करतूत भी कबूल करेगा और अपना हर स्क्रिप्ट में एक डायलॉग लिखेगा, दरोगा जी देखे तो बहुत, तुमसा ना देखा इसकी तो। मैडम सर, आप इन्हें करिश्मा सिंह कानून जानती हैं? पुष्पा जी, करिश्मा सिंह अच्छे से जानती है कि इस आदमी ने जो कुछ भी किया है कानूनन वो कोई गुनाह नहीं है, और फिर भी अगर हमने उस पर हाथ डाला तो हम तो उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, उल्टा वो हमारा नुकसान पहुंचा सकता है। आई एम श्योर करिश्मा सिंह ये बात अच्छे से जानती है। फिर आप ही बताइए मैडम सर कि क्या करना चाहिए हमको, का इलाज है इस डायरेक्टर का? ऐसा इलाज कि कोई भी किसी का हक मारने से पहले ना 100 बार सोचे। इसका जवाब भी हम देंगे करिश्मा सिंह, एक बार जरा लॉयर से बात हो जाए। पहचान वाला है, मैं पुराना खानदानी चोर हूँ, था चोर था, मुझे तो लगता था सबसे बड़ा चोर मैं ही हूँ था, लेकिन मुझसे बड़ा चोर तू निकला। लाश क्या खड़ा खड़ा देख रहा है, और मैंने छुड़ा इससे। अरे नहीं, बुलबुल पांडे इंस्पेक्टर, शंभू पीलबर्ग बोल रहा है, आ गया जी तुहाडी एंट्री का टाइम, बोल दो जी एक्शन भगवान का नाम लेके। सर मुझे यहाँ से निकाल दीजिए सर, मुझे अपने थाने में रखो, मैं वहाँ ना एकदम अकेला पड़ा रहूंगा, कहीं नहीं भाग के जाऊंगा, आपकी कसम, प्लीज मुझे यहाँ से निकालो। नो सर, नो सर। यस सर, यस सर। अरे चुप करा, बड़ा आया थाने वाला, अरे यहाँ से कहीं जाएगा ना तो सीधा जेल जाएगा, कह देते हैं। नहीं 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 नहीं, नीच से नीचे देखिए सर, चाय रखा है गिर जाएगा। सर बिस्किट दे आपको। मैडम सर आ गए मुझे निकालने के लिए, मुझे निकल। मैडम सर आइए आइए, हसीना मैडम आइए। अरे पता था हमें आप आएंगी। अरे वो कहाँ है, हंटर वाली 77 ऐसा ही करिश्मा मैडम दिखाई नहीं दे रही, आई है क्या? जान सकते हैं बिल्लू चंपत को आपने किस जुर्म में अरेस्ट किया है? अरे कहे ना ही जान सकते, जरूर जान सकते है काका। ये देखिए FIR, खुद ही देख लीजिए, चोरी के इल्जाम में पकड़ा गया है आपका लाडला कैदी। अरे फिल्म डायरेक्टर शंभू स्पीलबर्ग के यहाँ चोरी करते हुए और फिर पकड़े जाने पर फौजदारी करते हुए धरे गए हैं आपके ये प्यारे बिल्लू चंपा। झूठ। हमारा मतलब है सर कि FIR में झूठ थोड़ा ना लिखते, सब कुछ तो सच ही होता है। देखिए नॉन वैलेबल ऑफेंस है, जानती होंगी आप ना, मतलब यहाँ से सीधा कोर्ट में जाएंगे और 3-4 साल का सजा तो फिक्स है, बाकी तो जज का मूड है। मैडम सर, मैडम सर, मैंने कोई चोरी नहीं की, बिल्कुल नहीं चोरी की है। चुराया है ना? क्या? मेरा दिल। अरे तुम्हारा दिल तुम्हारे पास रखो। मैडम सर प्लीज मुझे बताइए, कुछ ऐसा नहीं किया है। मैडम सर प्लीज मुझे यहाँ से निकालो, निकालो प्लीज। बिल्लू क्या जरूरत थी तुम्हें वहाँ जाने की, हमने कहा था ना कि हम लॉयर से बात कर रहे हैं। मैडम सर वो इकबाल और बदनाम ने कहा ना। क्या कहा? डायरेक्टली जाके बोलो। क्या बोलो? देखिए शंभू स्पीलबर्ग ने बिल्लू चंपत की कहानी चुराई है। ये बात तुमको पल्ले नहीं पड़ रहा मैडम,
घर से कोनो सामान चुरा सकता है, रोड से गाड़ी चुरा सकता है, कहानी कोई कैसे चुरा सकता है बताइए। अरे कैसे का क्या मतलब है, ये इंडस्ट्री में बहुत कॉमन बात है, लोग एक दूसरे की कहानी क्रेडिट चुरा लेते हैं। वो कैसे? जैसे तू मेरा क्रेडिट चुराता है ऐसा सर आप हमको कहते हैं ना कई बार। हम समझाते हैं, देखिए मान लीजिए कि हम एक डायरेक्टर हैं, आप एक राइटर हैं, आप अपनी कहानी हमें सुनाने आए, हमने कहानी सुनकर कहानी रिजेक्ट कर दी और आपको वहां से भगा दिया, लेकिन आगे जाकर उसी कहानी पर हमने एक बहुत बड़ी सी फिल्म बनाई, फिल्म ने लाखों करोड़ों का कारोबार किया और वो सारे पैसे हमें मिल गए, लेकिन राइटर को तो कुछ नहीं मिला ना, उसके साथ तो धोखा हुआ। कहानी सुनाने का पैसा कौन देता है? अरे ऐसे तो हमारी दादी सारे मोहल्ले को कहानी सुनाती थी, उनको तो कभी किसी ने पैसा नहीं दिया आज तक। बुलबुल पांडे, आपकी दादी की कहानियों पर फिल्में नहीं बनती, वो लाखों करोड़ों का कारोबार नहीं करती। जिस स्क्रिप्ट पर शंभू स्पीलबर्ग फिल्म बना रहा है वो कहानी बिल्लू चंपत की है, और इस बात का सबसे बड़ा सबूत ये है कि बिल्लू की कहानी सच्ची घटनाओं पर आधारित है, जिसके मेन किरदार हैं हम और करिश्मा सिंह। अच्छा तो ये मुद्दा है, मतलब खाना प्रतियोगिता जीतने का ये प्रपंच प्लान बनाए हैं आपने? क्या ना, मतलब खुद पर फिल्म बनाकर अपना थाना का उत्कृष्ट छवि बनाकर ये कंपटीशन जीतने का प्लान बनाया जा रहा है? लानत है तेरी सोच पे। हम पे सर, हम पे लानत है, हम अगर ऐसा सोचे होते तो आप हमको यही बोलते ना। देखिए मिस्टर बुलबुल पांडे, आपको कुछ भी समझाना वक्त की बर्बादी, लेकिन हम जाने से पहले इतना जरूर कहना चाहेंगे कि सच, मोहब्बत और सैलाब किसी के रोकने से नहीं रुकते, अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेते हैं। और सच ये है कि ये कहानी बिल्लू चंपत की है और शंभू स्पीलबर्ग ने इसे चुराया है। ये सच भी अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा, वरना हम तो हैं ही, हम इस सच को दुनिया के सामने लाकर रहेंगे, वो भी पूरे मान सम्मान के साथ। मैडम सर, आप ये सब मेरे लिए एक चोर के लिए कर रहे हैं? नहीं बिल्लू, हम अपने प्यारे बिल्लू चंपत के लिए ये सब कर रहे हैं, जो कि हमारे महिला पुलिस थाने का अब एक हिस्सा बन चुका है और हम उसका परिवार बन चुके हैं, और फिलहाल इसे अपने परिवार की जरूरत है। बिल्लू, तुम बस एक चीज याद रखो कि तुम चोर थे और ये स्पीलबर्ग अब चोर है। कितना खाली खाली लग रहा है ना थाना बिल्लू के बिना। हमसे तो लॉकअप देखा नहीं जा रहा है, वो रहता था तो रौनक रहती थी थाने में, सबका मन लगाए रखता था। हमें तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत याद आ रही है बिल्लू की। जब वो होता था तब एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होता था, अब जब नहीं है तब उसके बिना एक सेकंड बर्दाश्त नहीं होगा। उफ, ये मासूमियत। मतलब अलग लेवल का चिंता कर रही है संतु जी। कौन सा अलग लेवल का चिंता? मैडम हमारे कहने का मतलब है कि बिलोटे को कैसे भी करके ना बुलबुल पांडे के फंदा से बचाना पड़ेगा। बस फंदा कैसे? पप्पू तू जेल में बंद है। चीती, उफ अफसोस कि हम कानूनन कुछ भी नहीं कर सकते। किसी तरह अगर उस शंभू स्पीलबर्ग का कन्फेशन मिल जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तब तो कुछ बात बने। मगर कैसे मैडम सर, वो शंभू स्पीलबर्ग कैसे मानेगा कि उसने स्क्रिप्ट चोरी की है? अगर हम छुपके से उसके ऑफिस में जाए और चुरा ली वो स्क्रिप्ट वापस तो? संतु जी, आपका मासूमियत जो है ना प्रकाष्ठा लेवल पार कर रहा है, लेकिन मासूमियत ना अपनी जगह पे है, लेकिन इसका कभी कभी प्रतिक्रिया जो है ना बहुत ही ज्यादा घातक हो सकता है, इसलिए थोड़ा सा। मतलब क्या? मतलब ये कि स्क्रिप्ट किसी का भी हो, उसका मालिकाना अधिकार उसी का ही रहेगा जिसके नाम पर ये स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड होगा। समझ रही हो अब? हाँ हाँ, ये मैं भूल ही गई थी, सॉरी। ऐसा कुछ हो कि कोई शंभू स्पीलबर्ग के करीब जा सके, शंभू को उस पर भरोसा हो जाए और फिर उस भरोसे में आकर वो उस आदमी से कन्फेस कर दे कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है, तो? मगर कैसे? एक आइडिया है मेरे पास। शंभू स्पीलबर्ग की लेटेस्ट न्यूज है, वो अपने नई फिल्म के लिए लीड कैरेक्टर्स ढूंढ रहा है और उसे स्मॉल टाउन की फ्रेश फेस चाहिए। इनफैक्ट कल से ऑडिशन भी स्टार्ट हो रहा है। तो आगे
बोलो आगे क्या। तो अगर अगर हमारे यहाँ से कोई दो लोग ऑडिशन के लिए जाए वहाँ पे और सिलेक्ट हो जाए हीरोइन के लिए तो कन्फेशन निकालना इतना मुश्किल नहीं होगा। सॉरी संतू जी, संतू जी, संतू जी, आज सुबह नाश्ता में क्या खाकर आई थी आप? क्यों? ऐसे प्लीज बताइए ना प्लीज। जानते थे कि अब सिंघाड़ा खा कर आएंगे तभी आपके दिमाग में ना इतना बेहतरीन आइडिया फूटा है। संतू जी हमारा बात मानिए, पूरा दिन में ना 1.5-2 दर्जन सिंघाड़ा खाया कीजिए आप। संतू क्या आइडिया दिया है तुमने? हाँ, ये बहुत बढ़िया है मैडम सर, बहुत बढ़िया। एक तो हम हो गए और दूसरा देखो कौन आ सकता है। पुष्पा जी आपको नहीं लगता है कि ये हीरोइन के रोल के लिए आप थोड़ा छोटी हैं अभी? हाँ छोटी। अच्छा ठीक है फिर लगेंगे शायद क्योंकि हमारी त्वचा से हमारी उम्र का पता ही नहीं चलता ना। वैसे आप दोनों क्यों नहीं कोशिश करती? हाँ मैडम सर। कहाँ हाँ संतू, हम तुमको कहाँ से एक्टर दिखते हैं? हमसे नहीं होता ये एक्टिंग वैक्टिंग, और जितनी बार हमने एक्टिंग करना चाहा ना हमने चूरन कर दिया पूरे 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 मिशन का। हमसे नहीं होगा ये, और ये प्रोफेशनल लोगों का काम होता है ना, तो आप कोई प्रोफेशनल कोई एक्टर देख लीजिए ना, वो करेंगे, हम नहीं करेंगे। हाँ हाँ करिश्मा सिंह बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये इस तरह का नाटक हम नहीं कर सकते, सक्सेसफुल नहीं होगा। अरे मैडम सर कुछ नहीं होगा, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। और वैसे आप दोनों को क्या करना है, आप जैसी है वैसे ही तो निभाना है। जज्बाती हसीना, खड़ूस करिश्मा, मतलब बिल्लू ने आप दोनों को सामने रखकर ही तो ये कहानी लिखी है ना, तो आप क्यों चिंता कर रही हैं? हम हैं ना, हम आपको सिखाएंगे अभिनय, और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई, नहीं समझो हो गई, तो हम रहेंगे ना वहां आपकी छोटी बहन के किरदार में, सब संभाल लेंगे। आप क्यों चिंता कर रही हैं? हाँ कह दीजिए हाँ। अच्छा लेकिन हमारे चेहरों का क्या, हमें खास तौर पर करिश्मा सिंह को तो पूरा शहर जानता है। इसका इलाज भी है मेरे पास, आप दोनों को कोई नहीं पहचान पाएगा, इनफैक्ट आप खुद को शीशे में नहीं पहचान पाएंगे। हाँ? जज्बात से काम लीजिए करिश्मा सिंह। जज्बात? जज्बात हाँ, जज्बात से काम जज्बात से वो और क्या था, हमारा तजुर्बा ऐसा कहता है।
करिश्मा सिंह, रिलैक्स, बी कॉन्फिडेंट, सब ठीक होगा। हेलो जी। हेलो, हेलो सर, हेलो। सर, ऑडिशन के लिए आर्टिस्ट। तो देखो जी, मैं एक फिल्म बना रहा हूँ, बहुत ही सेंसिटिव, जज्बाती, एक्शन पैक्ड फिल्म। उसका नाम होगा हेजल मीट्स कैरी। बाबा सर, बहुत अच्छा नाम है। थैंक यू जी, थैंक यू। और जैसा नाम बता रहा है, मैनू लगनी है दो हीरो, ठीक है जी। स्टोरी के हिसाब से आहो, स्टोरी के हिसाब से कैरी जो है ना, वो एक बहुत ही गुस्से वाली खतरनाक थानेदारनी है, जिसने पूरी पिक्चर विच लात घुसे चलाने। तो हेजल जो है जी, वो बहुत ही जज्बाती, इमोशनल थानेदारनी, उसने सारी फिल्म विच जज्बात चला दी। तो ऑडिशन भी दो कैटेगरी विच होने, हेजल ते कैरी वास्ते। हेजल वाली एथे आएगी राइट साइड में, ते कैरी वास्ते एथे लेफ्ट साइड में। आप एथे आओ राइट साइड में, आइए आइए। आप एथे लेफ्ट साइड में, आइए आइए, यहाँ खड़े हो जाइए। एथे लेफ्ट साइड में। तुसी एथे आओ लेफ्ट साइड में। सर वो तो कर कैरी की साइड है। तो हमें लगता है कि हम हेजल के पार्ट के लिए बेहतर है, हमें यहीं आना चाहिए। खबरदार हो, एक कदम जो आगे बढ़ाया। कैलाश। कैलाश सर। और जो भी है, इस फिल्म का डायरेक्टर कौन है? सर आप है। राइटर कौन है? आप। तो ये बता, ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन सी कुड़ी कौन सा रोल करेगी? सर आप करेंगे। तो बता है नू, कौन खड़ा है इतने सामने? और बड़े बड़े डायरेक्टर दी पुंगी बजा दिया मैंने। तो पुंगी से याद आया, तेरी भाभी नू फोन करना है, तो मैं यहीं आया। कितना बेशरम इंसान है ये, एक तुम्हारे बिल्लू का स्क्रिप्ट चुरा लिया, ऊपर से सीना ठोक के बोल रहा है कि इसका स्क्रिप्ट है ये। इसने अपना मूवी में नकली एक्शन तो बहुत कराया होगा, अगर हमारा पेशेंस जवाब दे गया ना, तो इसको बताएंगे हम असली एक्शन क्या होता है। करिश्मा सिंह प्लीज रिलैक्स, आप अपना मकसद मत भूलिए। हमारा मकसद है कि हमें लीगली इस बात को प्रूव करना है कि जिस स्क्रिप्ट पर ये स्पीलबर्ग काम कर रहा है, वो स्क्रिप्ट बिल्लू चंपक की है। और उसके लिए ज़रूरी है कि किसी भी कीमत पर हमें इसका कन्फेशन चाहिए। कन्फेशन के लिए हमें इसके प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना होगा। सो प्लीज़ फोकस एंड रिलैक्स योरसेल्फ एंड कंट्रोल योरसेल्फ। जी मैडम, क्या सोच रही हैं, रोल चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ हाँ चाहिए, बिल्कुल चाहिए। तो शंभू सर जैसा कहते हो वैसा कीजिए, वरना तो रोल तो जाएगा आपके हाथ से। चुपचाप यहाँ जाके खड़े हो जाइए। जी जी हाँ, आइए। किसी हथे आओ राइट साइड में, इधर हेजल पर। ये हेजल का लाइन है ना, हम वो कैरी कि कैरी, हम कैरी हैं, मतलब हमको जज्बात समझ में नहीं आता है सर, हमको ये जज्बाती जो माइंडसेट है ना, यही हमको अच्छा नहीं लगता है। हमने एक्शन भी सीखा हुआ है, हमको लगता है कि हम उसके लिए ठीक होंगे। और इसी वास्ते मैं माल टाउन फिल्म बनाना ही नहीं चाहता। सही कह रहे हैं सर। और ये छोटे शहर के लोग ना, साड़ी बड़ी बातें समझ ही नहीं सकते। सही कह रहे हैं सर। हर बात में शक, हर बात में ईगो, और ये कभी आगे नहीं जा सकते हुए। और तू छोड़, कोई और देख। नहीं 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 सर 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 सर, हमको करनी है आपकी मूवी, आप अच्छे डायरेक्टर, आपके साथ काम करना है हमको। हम करेंगे, हम जज्बात से काम करेंगे, हमें आते हैं।